आजकल मैं आपको बताऊं कि एज अ फादर आई एम फियरफुल कि आज जो मतलब द बैकग्राउंड दैट आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि किस तरह से सोसाइटी होती थी, क्या क्या चीज़ें होती थी और अब क्या चीज़ बन चुकी है और क्या चीज़ नॉर्मल समझी जाती है. एग्जैक्टली दिस वॉज नेवर नॉर्मल मे बी 10-15 ईयर्स अगो. आई एम नॉट टॉकिंग अ सेंचुरी अगो. 10-15 ईयर्स अगो मैं खुद आपके सामने थोड़ा रिलेटिवली यंगर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम चूँ, कोई सफ़ेद बाल नहीं है बिल्कुल. एंड स्टिल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे टाइम पे भी ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी. जी हाँ, जी हाँ, जी. लेकिन अब इतना ज्यादा ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि इट डजंट स्टॉप देयर. अभी आपको खुद पता होगा कि एक रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी जो फ्रांस में जो उन्होंने इसी मौजू के ऊपर जो है यंग लड़कियों के साथ जो है उन्होंने सारा कुछ जो भी उन्होंने तमाशा उन्होंने खड़ा किया. तो पहले वो ट्रांसजेंडर की भी बात करते हैं, फिर वो कहते हैं उसकी इक्वालिटी, नो दे आर द सेम, सारा उन्होंने एक जो खिचड़ी बना के उसका एक कॉकटेल बनाया. तो अब वो कह रहे हैं ट्रांस एज. कैन यू इमेजिन दैट ट्रांस एज? कैन यू इमेजिन के यू मे बी अ फादर और यू माइट हैव अ सिस्टर और somebody else has a daughter, मतलब जो भी different relations हैं, can you imagine के they're not even safe anymore? मतलब लोग जो हैं अब यही नहीं सोचते कि अच्छा कि age का भी कुछ नहीं रहा. यानी कि इतना कंफ्यूज कर दिया हमारी यूथ को. दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दिस विल बिकम नॉर्मल इन द कमिंग इयर्स. इट इज बिकमिंग एक्चुअली. इट इज तो ये जो अब फॉर एग्जांपल जो टीनएजर्स हैं और जो नेक्स्ट टाइड जो आती है ना उस पे वो सर्फ करने के लिए निकल जाते हैं. यस ये कूल चीज है. बिल्कुल. तो वो जो निकल जाते हैं ना तो उस पे दे विल नाउ विटनेस व्हाट वी आर विटनेसिंग कि दिस वाज नॉट नॉर्मल अ फ्यू इयर्स अगो. ये क्या हो गया? एग्जैक्टली. तो नाउ दे विल रियलाइज कि क्या हुआ. एग्जैक्टली.